ये है गाइस गेम के पुराने कैरेक्टर, आई मीन अभी आप जिसे प्ले कर रहे होगे, इसके एबिलिटी बारे में आप सबको पता ही होगा। एंड इसमें से एक नेक तो आपका फेवरेट होगा ही भाई, कोई सही। लेकिन ये है गेम के नए आने वाले अपडेट के बाद के कैरेक्टर जिसके अंदर की एबिलिटी काफी सारे चेंजेस किए गए। एंड देखते हैं इस बार आपका कौन सा फेवरेट कैरेक्टर को चेंज किया गया है। एंड काफी सारे एबिलिटी इस बार भी चेंज किए गए, तो चलो ठीक है एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ किस कैरेक्टर की एबिलिटी को क्या रिवर्क किया गया एंड क्या चेंजेस किए गए। काफी मजा आने वाला है क्योंकि अपडेट के बाद ये आपका काम देने वाला है भाई। ओके, तो स्टार्टिंग हम नए वाले कैरेक्टर से कर देते हैं। जैसे कि हमारे गेम के अंदर नया कैरेक्टर भी है, उसकी एबिलिटी आई थिंक सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे गेम का नया कैरेक्टर जिसका नाम है कोडा केडा, अरे पता नहीं जो भी नाम है इसका, थोड़ा अजीब सा है। इसकी एबिलिटी यही है कि भाई ये हैकर से कम नहीं है, एनिमीज को वॉल के आर पार भी देख सकता है। इसके पास एक ऐसा सुपर पावर, एक ऐसा मास्क है ना, जिसे पहनने के बाद ये सबको देख सकता है। लेकिन गाइस के अंदर कुछ खास चीजें और भी है। हाँ, पिछली बार से थोड़ा ये कमजोर है, इसकी एबिलिटी टोटल 8 सेकंड ही रहता है और इसका मूवमेंट स्पीड सिर्फ 10% ही स्पीड होता है जब इसे एबिलिटी ऑन करोगे, और पिछली बार तो ये 100% था भाई। ओके, तो इस वाले हाउस के अंदर हमने आया है, जैसे हमने एबिलिटी को ऑन किया ना, ये देखो बंदे आर पार दिखना स्टार्ट हो गए। हमें पता चल जाए कि इस वाले घर के अंदर कितने बंदे हैं, समझ रहे हो, बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन मेन एबिलिटी तो गाइस इसके लैंडिंग के टाइम काम आएगा। ये देखो जब इस कैरेक्टर को लेकर आप लैंड करोगे ना, तो ऊपर से एक्टिव रहने वाला है जिससे भाई नीचे वाले एनिमी को देख सकते हो कि किस जगह पे कितने एनिमी है। जैसे कि देखो पिक के ऊपर एक रेड कलर का मार्क बना हुआ है और ये जितने भी एनिमी रहेंगे ना, ये सबके ऊपर इस तरह से आने वाला है, चाहे वो घर के अंदर रहे या घर के बाहर रहे, उसके ऊपर पता चल जाएगा कितने एनिमी इस जगह पे है जहां हम लैंड कर रहे हैं। तो इससे आप थोड़े सतर्क हो सकते हो। और बाकी तो जब इसकी एबिलिटी ऑन करोगे तो आर पार तो वो देख ही लेगा। तो कैरेक्टर बहुत ही ओपी है, खतरनाक सा है, देखते हैं अपडेट में क्या करता है। ओके ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की ओर जो कि हमारा राइडन। गाइस वैसे आप इसे एबिलिटी यूज करते अभी ना, तो स्पाइडरमैन वाली फील तो आती होगी क्योंकि इसे यूज करने के बाद हम एक बार स्पाइडर जाला छोड़ सकते हैं जो कि बीच में किसी को पकड़ के उसे 40 का फिर 10-10 का डैमेज देता है ना। लेकिन अभी अब इसे यूज करोगे तो सिर्फ एक बार ये जाला फेंकेगा, लेकिन अपडेट के बाद ये एक बार नहीं दो बार फेंकने वाला है। बाकी सब कुछ सेम है, बट इसे आप दो बार यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो सामने की नेमी है, हमने इसे एबिलिटी पे क्लिक किया और ये स्पाइडर जाला गया यहाँ पे, उसके बाद ये 10 सेकंड के लिए यहाँ पर कूल डाउन लग जाएगा। एंड जैसे 10 सेकंड हो जाता है ना, आप दोबारा से फिर से एक जाला को यहाँ से फेंक सकते हो। ये देखो गाइस कुछ इस तरह से, तो मतलब आप दो बार इस जाले को फेंक के ना बंदों को पूरी तरह से परेशान करने वाले हो। हाँ, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है कि जैसे इसे चार्ज होने के लिए 1 मिनट का टाइम लगता है 60 सेकंड के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट टाइम दोगे ना तो ये दोनों एबिलिटी चार्ज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आप 1 मिनट से चार्जिंग का कूल डाउन का टाइम देते हो तो सिर्फ ये एक मकड़े का जाले तुम्हें फेंकने के लिए, जब भाई आप 2 मिनट वेट करोगे तो दोनों मकड़े का जाल देखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक ऐसा नहीं है, आपको कूल डाउन के लिए टाइम तो दोनों को ही देना पड़ेगा। तो बाकी वैसे ठीक ठाक है और डैमेज वगैरह सब कुछ सेम ही है, बट ये दो बार होता है बस, ये इसके अंदर चेंजेस है। ओके, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि है स्काइलर। आई थिंक बहुत लोगों का ही फेवरेट है, काफी सारे बंदे इसे यूज करते ही हैं। तो अब अगर यूज करते हो तो कोई बात नहीं, और इसका पावर थोड़ा सा और भी इन लोगों ने बढ़ा दिया है, बट थोड़ा माइनर सा। एंड ये स्काइलर ओल्ड देखा एंड ये न्यू देखो, तो ओल्ड में ऐसा कुछ करता था ना कि जब इसे आप फेंकोगे ना तो ये जो रेड कलर के मतलब घेरा बनता था ना, इसके अंदर जितने ग्लू होंगे वही बस हमें फूटता हुआ देखने को मिलता था। लेकिन इस बार एबिलिटी में थोड़ा सा चेंज किया, जब आप स्काइलर फेंकोगे ना तो भाई राउंड बनता है रेड कलर का, वो 4 मीटर का ही बनता है, लेकिन अब ग्लूवल को फोड़ेगा 5 मीटर पे, जहाँ पे वो रेड कलर का आइकन नहीं भी दिखेगा ना, फिर भी भाई वहाँ का ग्लूवल रहेगा तो वो भी फूट जाने वाला है। मतलब साफ है कि ये जो रेड कलर का घेरा बनता है ना, जो कि 4 मीटर का ही है, लेकिन गाइस ग्लूवल फोड़ेगा ये 5 मीटर के रेंज के अंदर। तो आई थिंक सीएस में थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि सीएस में थोड़ा जगह कम होता है तो ग्लूवल ज्यादा लगाते हैं और ग्लूवल को सारे के सारे ऐसे ही फोड़ देगा भाई। एंड हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है तत्सुया। वैसे जो इसे बंदे यूज करते थे ना, अब थोड़ा सा आई थिंक इरिटेट होने वाले हो। अब इसकी एबिलिटी यही थी कि इसके बाद हम 2 बार फ्लैश की स्पीड से भाग सकते थे, वो भी कंटिन्यू। पहले तो 3 था बट फिलहाल में लोगों ने 2 कर दिया था, लेकिन अब तो 2 भी नहीं रहा गाइस, क्योंकि गाइस ये 2 तो है, लेकिन जैसे आप एक बार यूज कर लोगे उसके बाद दोबारा से उसे यूज करने के लिए आपको 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, पहले हम यूज करते थे फटाफट से कंटिन्यू, भाई उसे टिप टिप के ना आगे काफी फास्ट में निकल जाते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। एक बार आपको भागने के बाद 5 सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर से 5 सेकंड में कूल डाउन होगा, फिर से यूज करोगे, उसके बाद तो जो 1 मिनट का टाइमिंग है चार्ज होने के लिए वो तो है ही। बाकी इसके अंदर बस वही 5 सेकंड इन लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, और ये 5 सेकंड एनिमी से पीटने के लिए बहुत काफी है, क्योंकि एक बार भागोगे ना उसके बाद 5 सेकंड का वेट करते हैं, एंड आई थिंक इतने टाइम पे तो आपको शायद से एनिमी पीट भी दे। वैसे इसे यूज करते करते आई थिंक थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लोगे, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं जो कि हमारा कैरेक्टर लाइला। गाइस वैसे ही पिछले अपडेट में देखने को मिला था, इसकी एबिलिटी यही है कि आप अगर राइफल से किसी बंदे को मारोगे तो 10% उसका मूवमेंट स्पीड कम कर देगा, व्हीकल पे मारोगे तो 50% उसका मूवमेंट स्पीड कम कर देगा। लेकिन
अपडेट के बाद ये और भी खतरनाक हो गया यार, क्योंकि अब तो एनिमीज को मारोगे ना तो रहेगा 10% ही मूवमेंट स्किल का कम, लेकिन अगर व्हीकल्स पे डैमेज दिया ना तो सीधा 80% कम हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अगर वो 100 की स्पीड से चल रहा होगा ना तो सीधा 20 के स्पीड में आ जाएगा भाई, रुक जाएगा ही समझो तो। और साथ में एक और चीज है कि जब किसी एनिमीज को फिनिश कर देते ना तो हमें एक ग्लोबल मिल जाता जो कि उसका भी कूलडाउन था 10 सेकंड में। अगर 10 सेकंड में दो बंदों को निपटा देना तो हमें एक ग्लोबल ही मिलता था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। आप बंदों को बस मारते जाओ, ग्लोबल्स मिलते जाएंगे, उसके लिए कोई भी कूलडाउन वगैरह है नहीं। बाकी व्हीकल से तो ये खतरनाक तरीके से और भी करने वाला है, क्योंकि जब भी व्हीकल पे डैमेज दोगे ना पूरा समझो तो रुक जाएगा, क्योंकि ये 80% से उसका मूवमेंट स्पीड कम कर देगा। और ऐसा नहीं कि दूसरों का, भाई ये देखो मैं खुद से फायर कर रहा हूँ एंड खुद से व्हीकल चला रहा हूँ ना, फिर भी देख रहे हो मैं ढलान वाले एरिया पे चला रहा हूँ, जैसे हमने फायर किया एंड ड्राइव किया ये ऑटो फायर पे, मतलब ऑटो पायलट पे डाल दिया, फिर भी देख रहे हो भाई चल ही नहीं रहा है। हाँ, लेकिन इसे रोकने के लिए पावर इसे बस 3 सेकंड का ही है, 3 सेकंड के रुकेगा उसके बाद ये फास्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट कट रहता है हमारा अलवारो। अब इसके एबिलिटी भी पता ही होगा आपको, एक ग्रेनेड को 3 बनाना, मतलब एक का 4 करना, इससे ही कोई सीखे। तो भाई ये ग्रेनेड फेंकोगे तो 4 ग्रेनेड तो कर ही देता है। एंड पहले था ये कि भाई 20% एक्सप्लोजिव पे डायमंड एक्स्ट्रा पड़ता था अगर कोई अलवारो से हमें फायर करे तो, लेकिन अब एक का तो 3 करता ही है, सॉरी 4 तो करता ही है, लेकिन डैमेज 100% भाई। अगर आप एक ग्रेनेड से डैमेज 100 का देता है तो अगर ये कोई कैरेक्टर इसे लेकर आया होगा ना तो सीधा ही 200, मतलब समझो तो बंदे साफ। बाकी इसके अंदर सारा कुछ सेम है, जैसा का वैसा है, लेकिन डैमेज 100% भाई इंक्रीज कर दिया। एंड थोड़ा संभल के ही रहना, क्योंकि अगर सीएस के अंदर ही आया ना तो सबको ये फोड़ डालेगा ये। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर था हमारा काइरोस। अब इसकी बेटी भी सबको पता होगा, वैसे है तो ये पैसिव स्किल पे बट काफी बढ़िया था कि इसके अंदर 2 मोड है, एक ब्रेकर एंड एक ईपी वाला मोड। तो भाई हर सेकंड में 2-2 ईपी करके ये भरता रहता है, जैसे हमारा ईपी फुल हो जाता है ना उसके बाद ये ब्रेकर मोड एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम किसी एनिमीज को पीटे ना उसकी वेस्ट की तो ऐसे ही धचे उड़ाने वाला है, लेकिन जो हमारा ईपी था वो 5-5 करके माइनस होता रहता था। ये इसकी एबिलिटी अभी के टाइम पे है, लेकिन अपडेट के बाद भाई सब कुछ तो सेम है, लेकिन वो जो ईपी 5-5 करके माइनस होता ना किसी एनिमीज को मारने के बाद, वो भाई अब सीधा 10-10 करके माइनस होगा। देखो मेरे पास अभी ईपी वगैरह सब कुछ भरा पड़ा है एंड वो माइनस हो नहीं रहा है, लेकिन जैसे हमने एक बार फायर किया ना वो 10-10 करके सीधा माइनस होना स्टार्ट हो गया। और वैसे भरने में तो ये काफी टाइम लगाया था, लेकिन घटने के लिए जस्ट 1 सेकंड का भी है गाइस, तुरंत से ये पूरे के पूरा ही खत्म हो जाएगा। हालांकि खत्म होने के बाद फिर से भरना स्टार्ट हो जाएगा, बट ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो चेंजेस में बस यही है कि जो आपका ईपी था वो 5 की जगह अब 10 माइनस होने वाला है, तो अगर आप इसे यूज करते थे तो थोड़ा देख लेना। एंड इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि है नायरी कैरेक्टर। अब इसकी एबिलिटी भी पता ही होगा सबको कि गाइस एक ग्लोबल लगाने के बाद ये हर सेकंड 10 HP देता, जो कि टोटल 3 सेकंड तक देता। आई मीन एक ग्लोबल पे हमें 30 HP तो ऐसे मिल जाता, साथ में ग्लोबल को थोड़ा पावरफुल कर देता, वो तो अलग की बात है। लेकिन इस अपडेट में अगर आप नायरी यूज करते थे आई थिंक थोड़ा सा आप इरिटेट होने वाले हो, क्योंकि नायरी की एबिलिटी थोड़ा सा इन लोगों ने घटा दिया। जहां पे भाई हमें 3 सेकंड में 30 HP देता ना, अब भाई 2 सेकंड ही देगा और वो भी 10-10 करके, तो आई मीन 20 HP। पहले 30 दे रहा था HP, बट अब ये 20 HP देगा एक ग्लोबल लगाने के बाद। तो आई थिंक बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, इन लोगों ने 1 सेकंड कम कर दिया, उसके वजह से हमारा 10 HP कम हो गया। बाकी अगर इसे आप कस्टम यूज करोगे तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, वहां पे तो भाई ये आपको अनलिमिटेड HP दे देगा, मतलब एक ग्लोबल 20 HP तो इस कलर की कमी ये पूरी कर देता है आई थिंक। तो ये थे कुछ कैरेक्टर। हाँ, एक और कैरेक्टर है गाइस, अपना वुकोंग भाई, और इसकी एबिलिटी में थोड़ा इन लोगों ने कमी की है। तो भाई सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन इसका जो कूलडाउन टाइम था वो 75 सेकंड था पहले, टोटल 90 सेकंड लेने वाला है, मतलब 1.5 मिनट भाई इसे चार्ज होने के लिए लगेगा। बाकी यहाँ एनिमीज को अगर नॉक कर देगा तो भाई तुरंत से चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर ये खुद से चार्ज होता है तो भाई 1.5 मिनट का टाइम लगने वाला है 90 सेकंड, जो कि पहले 75 सेकंड था। तो आई थिंक सब कुछ सेम है, बस इसका कूलडाउन इन लोगों ने थोड़ा बढ़ा दिया। बाकी गाइस ये थी अपडेट में आने वाले एक कुछ कैरेक्टर जिसकी एबिलिटी को चेंज किया गया है। एंड बताना इसमें से कौन सा कैरेक्टर आपका फेवरेट था, वो चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ। वैसे मेरे कैरेक्टर तो आई थिंक चेंज नहीं हुए, जो कि मैं यूज करता हूं थोड़े बहुत हुए। खैर चलो, इस वाली वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना याद से गाइस। ओके, मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।